वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालिसा क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है मालिसा क्लासेस पर, जो आपका इंग्लिश बेसिक कोर्स चल रहा है उसमें हम टॉपिक नंबर 18 आज पढ़ेंगे। 17 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, आप उनको देखें समझें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपैथी एंड कंसोलेशन, यानी कि सहानुभूति और सांत्वना। सहानुभूति और सांत्वना का मतलब क्या होता है? सहानुभूति यानी कि किसी के प्रति प्रेम भावना रखना, प्रेम भावना रखना। और सांत्वना यानी कि किसी को संतुष्टि देना, यानी कि सहानुभूति और सांत्वना का सीधा अर्थ होता है संतुष्टि देना। तो इससे संबंधित आप कुछ वाक्य लेके आए हैं, तो इस वीडियो में हम ये वाक्य जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस ऑल विल बी वेल। नंबर सेकंड, अच्छाई का फल हम अवश्य मिलेगा। अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। गुडनेस विल श्योरली बी रिवॉर्डेड। नंबर थ्री, इससे और अधिक तुम क्या कर सकते थे। इससे और अधिक तुम क्या कर सकते थे। व्हाट मोर कुड यू हैव डन। नंबर फोर, मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। मैन हैज हिज ओन लिमिटेशन। नंबर फाइव, तुमने तो अच्छे से अच्छा किया। तुमने तो अच्छे से अच्छा किया, तो यू डिड यूर बेस्ट। नंबर सिक्स, आपने सब कुछ किया जो संभव था। आपने सब कुछ किया जो संभव था। You did everything that was possible. Number seven, और आप कर ही क्या सकते थे। और आप कर ही क्या सकते थे। What else could you have done? Number eight, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। We are always with you. Number nine, कोई चिंता न करो। कोई चिंता न करो। Don't worry at all. नंबर टेन, निराश न हो, निराश नहीं हो, निराश न हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। नंबर इलेवन, आशा न छोड़ो, आशा न छोड़ो। डोंट गिव अप होप। नंबर ट्वेल्व, कोई बात नहीं फिर कोशिश करो। कोई बात नहीं फिर कोशिश करो। इट डजंट मैटर ट्राई अगेन। नंबर थर्टीन, लगे रहो अंत में सफलता मिलेगी। लगे रहो अंत में सफलता मिलेगी। कैरी ऑन, सक्सेस विल कम एट लास्ट। नंबर फोर्टीन, बहादुर बनो, बहादुर बनो। बी ब्रेव। तो ये कुछ वाक्य थे सहानुभूति और सांत्वना से संबंधित कुछ वाक्य थे। आपको ये वाक्य अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे, और इसी प्रकार के और भी वाक्य हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वह भी अंग्रेजी सीख सके बोलना, पढ़ना लिखना और बोलना, ताकि आप अंग्रेजी में वार्तालाप करना आसानी से मेरे वीडियो द्वारा सीख सके। धन्यवाद।